खुली हुई प्रशंसा से उस उस्ताद की वार्ता हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न-ए गरीब नवाज। और मेरे गरीब नवाज को ऐसा भी हो सकता है कहीं अजमेर वाले को मानते हैं, बगदाद वाले को नहीं मानते हैं। ऐसा भी हो सकता है कोई बारिश बाग को माने, मखदूमे बिहारी को ना माने, लेकिन खुदा की कसम बरेली का पठान ऐसा है, ऐसा हो ही नहीं सकता है जो बरेली के अहमद रजा खान को मानता हो वो गरीब नवाज को ना मानता हो, ख्वाजा गरीब नवाज को ना मानता हो, बगदाद के गौसे पाक को ना मानता हो, बारिश पाक को ना मानता हो, मखदूमे बिहारी को ना मानता हो। इसलिए कि जो रजा का दीवाना हो जाता है वो मेरे पानी नहीं मिलेगी, पानी चूंकि उस पानी का क्या काम था और पी करके थोड़ी सी जिंदगी बसर कर ली, है ना। तो राजा पृथ्वीराज चौहान का जमाना था, वो पानी पर ही रोक लगा दिया, आप पानी नहीं दिया जाएगा, मेरे गरीब नवाज में कोई ताकत नहीं दिखाई और कोई झगड़ा छुड़ जा नहीं किया, बस अपने एक गुलाम को भेजा, कहा जाना ना तो उसके करीब नहीं जाना, जब राजा का पहरा है तो वहां नहीं जाना, बस दूर से कह देना कि तुझको मुजीब ने बुलाया है। यार ताकत तो मैं कोई किससे कहानी नहीं कह रहा हूँ, अपने बाप की बात नहीं कह रहा हूँ यार, मैं अजमेर के ख्वाजा साहब की बात कर रहा हूँ। हाँ अगर अपनी बाप की तारीफ करूँ हो सकता है कोई उठ करके चला जाएगा, अपने घर की तारीफ करूँ कोई उठ करके चला जाएगा, लेकिन इस ठंडी के मौसम में यहाँ बैठे हैं इसलिए नहीं कि कोई भी अपने घर की बात कर रहा है, अपने बाप का जिक्र कर रहा है, अपनी माँ की जिक्र कर रहा है, अपने घर वालों का जिक्र कर रहा है, इस ठंडी के मौसम में बैठ करके हम सबूत दे रहे हैं और ये आवाज दे रहे हैं, या रसूल अल्लाह यहाँ बैठ करके तेरा जिक्र सुन रहे हैं, तेरी नस्लों का जिक्र सुन रहे हैं और यहाँ से आवाज दे रहे हैं कि उन्हें जाना उन्हें माना ना रखा खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान आया। यहाँ हम भी काम कर रहे हैं ना, तो ये गरीब नवाज दूर से पूछे, कहा मेरे गरीब नवाज ने गुलाम को भेजा, कहा जाना दूर से कहे, दूर से कह देना कि तुझे मुझे 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 आप जानते हो मैंने कटोरा कैसा था, वो नहीं जानता, आप लोग भी नहीं जानते, लेकिन एक छोटा सा कटोरा कैसा होता है, गरीब नवाज का वो बड़ी पहुंचा दूर से ही कह दिया अना सागर तुझे मुझे 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 मुझे। अब इतना कहना था कि अना सागर का फुल पानी कहते में समा जाता है, अना सागर सूख जाता है। अब मैं पूछना चाहूंगा आपके जहन में भी सवाल पैदा होता होगा कि आखिर पूरा पानी एक छोटे से कटोरे में कैसे आ गया। अब मैं ठहर के एक बात कर दूं, आज दुनिया बोलती है कि मेरे मुस्तफा की शान का बयान होती है, फरमाया जाता है मुस्तफा मैदान हश्र में एक चादर में पूरी उम्मती को समा देंगे, पूरे गुनहगार को छुपा लेंगे, अपनी गुनहगार उम्मत को बचा लेंगे, एक चादर में छुपा लेंगे। तो दुनिया इतराज करती है आखिर छोटी सी चादर है मुस्तफा सबको कैसे छुपा लेंगे, आखिर छोटी सी चादर है मुस्तफा कैसे सबको चादर में संभालेंगे। तो उन्हें अकीदा लेना चाहिए मेरे गरीब नवाज के कटोरे से कि जब उनका लाडला बेटा मोइनुद्दीन ने भारत की जमीन पे कटोरे में पूरा आना सागर समा सकता है तो मदीने वाला मुस्तफा अपने कमले में पूरा उम्मत क्यों नहीं समा सकता है। नौजवानों ने कमेटी नारे तकबीर जश्न गरीब नवाज हजरत अल्लामा मौलाना फिरोज रजवी साहब तुमिला नारे तकबीर बहुत बहुत हक है हक है मेरे गरीब नवाज की शान में भैया वो गरीब नवाज आए जिनके अपने पे जिनकी याद कर रहे हैं। और जब अजमेर का वो ये था ना जब रजब का चांद आता है दीवाने अजमेर जाने के लिए रुके जाते हैं सुनाने के लिए वो वलियों के पास रूहानी ताकत हो गई है ना जिस पे वली का ही नहीं में पूरी तासीर देखी बदलती है सब सब तक दूर देखी यार ये शान है ना फतेहपुर सीकरी था फतेहपुर सीकरी में एक बुजुर्ग रहा करते उनका एक गरीब था उनका एक गरीब था जब जब का चांद निकला अपने पीर साहब से करने लगा हुजूर रजब का 6 तारीख आ गया और रजब का जब महीना आता है ना बूढ़ा अजमेर जा रहा है जवान अजमेर जा रहा है बच्चे अजमेर जा रहे हैं
आखिर कौन सी फिल्म है मेरे गरीब नवाज के अंदर यार? आज हमारी कब्रों पे कोई पूछने नहीं जाता है मिट्टी है या नहीं है, मेरे कब्रों की फंसी हुई मिट्टी को कोई ठगने नहीं जाता है। लेकिन वाह मेरे गरीब नवाज, पूरी दुनिया सोई रहती है ना, उस वक्त मेरे गरीब नवाज के मजार को फूलों की बारिश हो जाया करती है। हाँ, यह गरीब नवाज है वो फतेहपुर सीकरी में बुजुर्ग रहते थे, कहने लगा हुजूर रजा का महीना आ गया, मैं अजमेर जाना चाहता हूँ, मैं अजमेर शरीफ जाना चाहता हूँ, क्योंकि फिर जब आ गया सब कोई अजमेर जा रहा था। मेरे पीर साहब मुझे इजाजत मिली है, मैं भी अजमेर जाना चाहता हूँ। पीर साहब से कहा ठीक है बेटा, अगर अजमेर जाना चाहता है तो इस साल नहीं अगले साल जाना, इस साल नहीं अगले साल जाना। गरीब था पीर साहब की बात मान गया और अगले साल अजमेर का सफर सबको नसीब फरमा देंगे और उसके बाद मदीने का सफर सबको नसीब फरमा देंगे। हाँ, तो वो दीवाना दूसरे साल आया, पीर साहब से इजाजत लेने कहा हुजूर मुझे इजाजत दीजिए मैं अजमेर जाना चाहता हूँ। तो दूसरे साल से पीर साहब ने कहा बेटा रुक जा, अगले साल जाना, इसके बाद आ जाना। तीसरा साल रजब का महीना आने से पहले बड़ी बहुत खुशियां आई, पीर साहब को आके अजमेर से क्या है साल से रोक लिया, दूसरे साल भी रोक लिया, तीसरा साल रजब का महीना आने से पहले उस मुरीद ने टिकट निकाल लिया। अब टिकट लेकर के पहुंचा कहां, अपने पीर के पास। आप पीर साहब तीसरा साल आ गया, अब मैं अजमेर जाना चाहता हूं। पीर साहब से बोले बेटा इन साल रुक जा अगले साल जा। मुरीद खुशी आ गया, आप पीर साहब मैं जानता था कि आप यही जवाब दीजिएगा, इसलिए मैंने टिकट ले लिया है, मैंने टिकट करा लिया है। पीर साहब ने टिकट देखा, कहा बेटा तू अजमेर जाना चाहता है, कहा हाँ हुजूर मुझे इजाजत तो दीजिए, आखिर आपको एलर्जी क्या है, गरीब नवाज से प्रॉब्लम क्या है, मेरे शहंशाह हिंदुस्तान से आपको एलर्जी क्या है, आप एक साल नहीं जाने देंगे, दूसरे साल नहीं जाने देंगे, तीसरे साल नहीं जाने देंगे, आखिर मामला क्या है, मैंने टिकट ले लिया है। पीर साहब से कहा बेटा अगर टिकट निकाल लिया है तो ठीक है, कल अजमेर तू चला जाएगा, पता तेरी गाड़ी कितने बजे है, तेरी गाड़ी कितने बजे है। वो मरीद कहने लगा हुजूर मेरी गाड़ी सुबह 7 बजे पहुंच जाएगी। पीर साहब ने कहा ठीक है बेटा कल आएगा, मैं फजर की नमाज पढ़ के और मस्जिद में तस्बीहुत तहलील में बैठा रहूंगा, तू आना मुझसे इजाजत लेना और मेरी गाड़ी में बैठ कर अजमेर चले जाना। दूसरा दिन आया, इस दिन गाड़ी खुली थी, बस जाना था। आया आने के बाद पीर साहब को देख रहा है, फजर की नमाज पढ़े पीर साहब बैठे हैं मस्जिद में इंतजार कर रहा है, अब पीर साहब निकले तो मैं इजाजत ले लूं, पीर साहब बाहर आए तो मैं इजाजत ले लूं, लेकिन पीर साहब का वजीफा लंबा था, वो बैठे थे, यहां तक कि 6 बज गया, 6:30 हो गया, पीर साहब मस्जिद में बैठे हैं, 7 बजे गाड़ी का वक्त है, वो घड़ी दिखा रहा है, चलो जल्दी वरना बस खोल दूंगा, कहा चलो जल्दी वरना 7 बजने जा रहा है, ये पीर का इंतजार कर रहा है, लेकिन पीर साहब मस्जिद में बैठे हैं, अब तक नहीं निकले हैं, यहां तक के 7 बज गया, लेकिन पीर साहब अब तक बैठे हुए हैं, 7 बजा इधर बस खुल गई, बस खुल गई और इधर पीर साहब का वजीफा भी खत्म हो गया, वजीफा खत्म हुआ, पीर साहब बाहर आए। हाँ बेटा अजमेर जाना चाहता है, अजमेर जाना चाहता है। बेटे ने कहा मैं अजमेर जाऊंगा, मैं अजमेर जाऊंगा। कहा बेटे तू ही तो बोला था अजमेर जाना चाहता है, टिकट भी ले लिया। कहा हाँ हुजूर टिकट तो ले लिया था, लेकिन गाड़ी चली गई तो अजमेर कैसे जाऊंगा। फिर बुजुर्ग ने कहा बेटा तू अजमेर जाना ना तो अजमेर से पहले देखना, एक घना दरख्त होगा, वहां घनी दरख्त होगा और वहां एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग बैठे होंगे, जिसका चेहरा जवानी होगा, जिसका लिबास भी जवानी होगा, जिसको देखोगे तो मुस्तफा भी याद आएगी और खुदा भी याद आएगा। बेटे ने कहा पीर साहब जाने का ठीक नहीं है और चेहरा जवानी होगा तो दाढ़ी सफेद होगी, आखिर मामला क्या है, जाने का कोई गारंटी नहीं, बस चली गई तो मैं जाऊंगा कैसे। पीर साहब चला में आए, बेटा टेंशन ना ले, निकाहे वली ने मुत्तासिर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी, बेटा बोल तू अजमेर जाना चाहता है ना। कहा पीर साहब अगर अजमेर ना जाते तो टिकट क्यों निकलवाते। फिर जवाब में आकर पीर साहब ने कहा बेटा तू अजमेर जाना चाहता है। बेटे ने कहा था हाँ पीर साहब मैं अजमेर जाना चाहता हूँ।
घर से बंद नहीं कर रहा है, मुरीद घर से बंद नहीं कर रहा है। कहा आपने वजीफा चार घंटा लंबा किया था, हो सकता है अगर आंखें बंद करूं तो आप भी गायब हो जाएंगे। लेकिन पीर साहब फिर सवाल में आए, कहा बेटा बंद कर, ये तेरे पीर का हुक्म है, आंखें बंद कर। बेटे ने आंखें बंद किया था तो फिर आंखें बंद किया। पीर साहब ने कहा बेटा पहला कदम उठाना आंखें बंद रखना, दूसरा कदम उठाना आंखें बंद रखना, तीसरा कदम उठाना आंखें खोल देना। इतना सुनना था पीर साहब का हुक्म हुआ, बेटे ने आंखें बंद किया, पहला कदम उठाया, दूसरा कदम उठाया, तीसरा कदम उठाया, आंखें खोल दिया। क्या देखता है कि जब आंखें बंद हुई तो फतेहपुर सीकरी में था, और जब आंखें खुली है तो शहनशाह हिंदुस्तान की माता में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गरीब नमाज, जिंदाबाद जिंदाबाद। वो जब आंखें खोला ना तो अजमेर शरीफ की नमाज की बारगाह में था। हाँ, अब मुलाकात वाला भी बस वाले को, जो बस से गया था ना, तो बस वाले से पहले पहुंच गया था, ये बाद में बस वाले पहुंचे। लोगों ने देखा यार तुम्हारी तो गाड़ी छोटी हुई थी, तू किस गाड़ी से आया है, तू हम लोगों से पहले आ गया। अब ये मजा ले रहा है, आप तुम लोग बहुत खड़ी दिखा रहे, घड़ी दिखा रहे थे, लो मैं आ गया। कहा किस गाड़ी से आए हो यार, जरा ये तो बता कौन सी गाड़ी से आए हो। वो मुरीद कहने लगा मैं इश्क वाली गाड़ी से आया हूं यार, ऐ इश्क तेरे सर से चलने से छूटे सकते, वो आग आगा देगी जो आग बुझाई है, वो आग बुझा देगी जो आग लगाई है, ये इश्क का पावर है। कहने लगा लोगों मैं इश्क वाली गाड़ी से आया हूं। लोग कहने लगे यार ये इश्क वाली गाड़ी नहीं मिली है यार, ये इश्क वाली गाड़ी इसी साल रिलीज हुई है। मुरीद कहने लगा नहीं नहीं, ये तो बहुत पुरानी गाड़ी है, ये बहुत पुरानी गाड़ी है। लोगों ने कहा कितनी पुरानी, कितनी पुरानी, कहा बहुत पुरानी, कहा कितनी पुरानी, कहा बहुत पुरानी, ये गाड़ी इश्क वाली इतनी पुरानी है कि इसी गाड़ी पे सिद्दीक चढ़े तो सदाकत का पैकर बन गए, ये इतनी पुरानी गाड़ी है कि इसी गाड़ी पे हजरत उमर चढ़े तो अदालत का पैकर बन गए, इसी इश्क वाली गाड़ी पे हजरत अली चढ़े तो शिजात का पैकर बन गए, इसी इश्क वाली गाड़ी पे हजरत उस्मान चढ़े तो सखावत का पैकर बन गए, इसी इश्क वाली गाड़ी पे इमाम हुसैन चढ़े तो शहादत का पैकर बन गए, इसी इश्क वाली गाड़ी पे करीम नवाज चढ़े तो इनायत का पैकर बन गए, इसी इश्क वाली गाड़ी पे वो बगदाद का हौसफात चढ़ा तो करामत का पैकर बन के चमका, इसी इश्क वाली गाड़ी पे जब अहमद रजा चढ़ा तो आला हजरत बन के चमका है। आज इतनी पुरानी, ये इतनी पुरानी। अब वो मुरीद पहुंचा अजमेर शरीफ और पीर साहब ने खत दिया था, आ जाना बेटा तो ये खत उस बुजुर्ग को देना, अजमेर शरीफ से पहले खाना खराब होगा, वहां चेहरा रूखानी होगा, दाढ़ी सफेद होगी, एक बुजुर्ग बैठे होंगे, जाना तो ये उनसे खत देना और इस खत का जवाब लेकर के वापस हो जाना। पहुंचने के बाद उस बुजुर्ग के पास पहुंचा और अपने पीर का खत दिया, पीर का खत दिया, उसने बुजुर्ग ने खत को पढ़ा, पढ़ने के बाद पीर ने मुस्कुराते हुए साहब की बात बोला, वो पहुंचा मुरीद, अब वो खत दिया, देने के बाद बुजुर्ग मुस्कुराता मुस्कुराए और जवाब लिख करके गुलाम के हवाले कर दिए, मुरीद के हवाले कर दिए। अब हवाले करने के बाद का जाबे ने जवाब लिख दिया, अब ये तो फंस गया, कहा वो घूम रहा है आगे पीछे, उस बुजुर्ग के आगे पीछे घूम रहा है, कहा कि मैं अब जाऊं कैसे, मेरे पीर साहब ने भेज करके मुझे फंसा दिया, अब मैं जाऊं तो कैसे जाऊं। पीर साहब कहने लगे बेटा जाना, तेरा जवाब मिल गया, जा चला जा। आप पीर साहब यह मसला समझ सकता, अब मैं तो आकर के फंस गया, मेरे पीर साहब को नहीं भेजना था, नहीं भेजते, लेकिन भेज करके मुझे फंसा दिया, अब मैं जाऊं तो कैसे जाऊं। कहा बेटा तू आया कैसे था, बोल आया कैसे था, देखे वली का पावर। बेटे से कहने लगे बुजुर्ग बेटा बोल तू आया कैसे था, अब ये शर्म से बता नहीं रहा था मैं कैसे आया था। कहा पीर साहब ये बार बार पीछे मैं आया गया था, बस आ गया, बस जाने का इंतजाम कर रहा था, गया दौड़ करके बस वालों के पास, कहा इन आदमी का गुंजाइश है घर से ले जा सकते हो, कहा कोई गुंजाइश नहीं है, अगर जाना चाहता है तो जा इश्क वाली गाड़ी में चला जा। अब ये दौड़ कर फिर आया बुजुर्ग के पास, फूंकता रहा,
किसी ने पूछा बेटा तू क्यों परेशान है, कहा मेरे पीर साहब ने भेज करके मुझे फंसा दिया है, कहा कि बोल तू आया कैसे था, ये बोल नहीं रहा था, तो बुजुर्ग ने जवाब दिया, कहा बेटा तू आया है 3 कदम हमने वापस कर दूंगा 2 कदम में, यार साल रखे बलियों का जब नहीं बताया, कहा बेटा तू आया है 3 कदम में मैं वापस कर दूंगा 2 कदम में, कहा मेरे पीर साहब इतने पहुंचे हुए हैं तो आप कितने पहुंचे हुए हैं, यार कहा कि आप सच बोल रहे हैं ना, मेरे पीर साहब की तरह गायब तो ना हो जाइए, कहा नहीं बेटा बंद कर आंखें, देखे बलियों की शान, कहा बंद कर आंखें, बेटे ने पहली बार कदम उठाया आंखें खोल दिया कि कहीं आप मैं देख रहा था कि है कि चले गए, कहा कि बेटा बंद कर आंखें, पहला कदम उठाना जमीन पे रखना, दूसरा कदम उठाना जमीन पे रखना, दूसरे कदम के बाद आंखें खोल देना, बेटे ने उस बुजुर्ग की बात सुन करके आंखें बंद किया, पहला कदम उठाया जमीन पे रखा, दूसरा कदम उठाया जमीन पे रखा, आंखें खोल दिया, जब आंख खुली है तो देखता क्या है, जब आंखें बंद थी तो अजमेर शरीफ में था, और जब आंखें खुली है तो अपने पीर फतेह पूर सीकरी में मौजूद हो गया था। अब आया ना अपने पीर साहब के पास आया, आने के बाद खत दिया, आप पीर साहब आप समझ रहे थे कि भेज करके फंसा दूंगा, आप सोच रहे थे कि हमसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है, 3 कदम में भेजना कोई कमाल नहीं है, मैं तो थोड़ी कदम में आ गया, आप सोच रहे थे कि भेज करके फंसा दूंगा, ये पीर साहब को मजा लेने लगा, लेकिन पीर साहब खत को पढ़ने के बाद मुस्कुरा दिए, मुस्कुराए तो ये मुरीद देखा, देखने के बाद पीर साहब से सवाल कर लिया, कहा पीर साहब एक बात बताइए, जब आपने खत दिया था तो उस बुजुर्ग को मैंने दिया खत तो वो भी पढ़ कर मुस्कुरा दिए, और जब मैं जवाब आपको दिया तो आप भी पढ़ करके मुस्कुरा दिए, आखिर इसमें राज क्या है, आखिर लिखा क्या है, मामला क्या है, मैंने उनको दिया वो भी मुस्कुरा दिए, आप भी मुस्कुरा दिए, पीर साहब ने कहा था बेटा नहीं जानते हो इसमें मैंने लिखा था, ऐ शहंशाह हिंदुस्तान, ऐ अली नवाज, ऐ अजमेर के राजा, ऐ हिंदुस्तान के ख्वाजा, आपने अजमेर की धरती पर कैसी धूम मचाई है कि जब जब रजब का महीना आता है बूढ़ा अजमेर जाता है, जवान अजमेर जाता है, बच्चा अजमेर जाता है, ऐ मेरे करीब नवाज आपने अजमेर के धरती पर कौन सी धूम मचाई है कि जब रजब का महीना आता है सब अजमेर जाते हैं, तो उधर से जवाब आई है बेटा कि ऐ फतेहपुर सीकरी का मेरे बुजुर्ग, जब तू अपने एक गुलाब को नहीं रोक सकता है तो ख्वाजा पूरे हिंदुस्तान को कैसे रोक सकता है, जब तू अपने एक गुलाम को मेरी बारगाह में आने से नहीं रोक सकता है तो ख्वाजा इतने दीवानों को कैसे रोक सकता है, यार ये ख्वाजा की जान है, बहुत सारी बातें हैं लेकिन मैं दूर नहीं जाना चाहता, बस ख्वाजा की मिशन को अपनाने की जरूरत है, ख्वाजा मेरी नमाज के किरदार को अपनाने की जरूरत है, उनके मिशन को अपनाए खुदा की कसम हमसे वो काम हो जिससे मुस्तफा राजी हो जाए, अल्लाह के वलियों का किरदार हमारे अंदर नजर आनी चाहिए, वलियों की मोहब्बत हमारे सीने में होना चाहिए, वलियों ने जिंदगी गुजारी है कुरान की तिलावतों के छाव में, नमाजों के छाव में, लेकिन हमारी जिंदगी कहां गुजर रही है, जरा सोचना, मुस्तफा की उम्मत में पैदा हुए हैं, मरने के बाद मुस्तफा ने कब्र में पूछ लिया बता मेरी उम्मत में तू जिंदगी गुजार रहा था, मेरी उम्मत में पैदा हुआ था, बता कुरान कितनी मरतबा पढ़ा है, बता नमाज कई मरतबा पढ़ करके आया है, बता तूने रमजान का रोजा कितना रखा है, बता तूने वालिदैन कितना करके आया है, अगर मुस्तफा ने पूछ लिया तो फिर क्या जवाब देंगे, जिंदगी को इतना बेहतर कर ले कि हमारी जिंदगी से आवाज आएगी कि जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी तो है नबी की, नबी के लिए, कोशिश करेंगे।